शपथ सजा वाइश दिया दर्द जिगर सख्त सजावा इश्क दिया अल्लाह अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरी के साथ मैं हूं मोहसिन खालिद। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है, शब रात के अंदर शब रात के दौरान सिर्फ एक ही दिन रह चुका है और यहां पर जब हम लोग आए हैं तो अपनी मदद आपके तहत जो है यहां पे लोग अपनी प्यारों की कब्रों पे कलर कर रहे हैं, कब्रों की मुरम्मत जारी है। सिंध गवर्नमेंट का इसमें कोई अमल दखल नहीं है क्योंकि शब रात में सिर्फ एक ही दिन बाकी रह गया। इस वक्त हमारे साथ भाई मौजूद है जिन्होंने अब यहाँ पर एक कबर पे, सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, आपने ये कबर पे कलर किया है, ये खुद किया है, किसकी कबर है ये? ये मेरे वालिद साहब की कबर है और बेटे की कबर है। तो आपने खुद कलर किया है? बिल्कुल खुद कलर करा। हर साल करते हैं आप? हर साल करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, गवर्नमेंट कब्रिस्तानों पर कोई नजरसानी नहीं करती? बिल्कुल नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये आप ये कबर देखें, ये छोटे बच्चे की कोई कबर है, इसको भी इस पे से भी मलबा कोई उठा के ले गया है, ये स्लिप सारी टूट गई है। तो यहाँ कोई गवर्नमेंट का कोई इंतज़ाम नहीं है, कुछ नहीं है, खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। सुनी कि यहाँ पे जो कब्रें हैं वो खुद बदहाली का शिकार हैं, अपनी मदद आपके तहत कब्रिस्तान में जो लोग हैं वो अपने मदद आपके तहत यहाँ पे काम करते हैं। सिंध गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं होता, ना ही सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई यहाँ पे काम। जी नाजरीन, आप लोग देख सकते हैं कि ये कबर का हाल किस तरह है, कबर टूट फूट का बिल्कुल शिकार हुई हुई है। ये देख सकते हैं कि आप ये कबर यहाँ पे जगह ना होने के बावजूद भी जो है लोगों को यहाँ पे जो है दफना दिया जाता है, दफन कर दी जाती है, क्योंकि कराची में कब्रिस्तान जो है इस वक्त कम है, आबादी कराची की बहुत ज़्यादा हो गई है और यहाँ पर जो लोग का बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं है। तो सिंध गवर्नमेंट ज़रा कबरों पर भी नज़रसानी कर ले, कब्रिस्तानों पर भी नज़रसानी कर ले, क्योंकि हमारे को यहाँ पर अब तक कोई काम नज़र होता हुआ दिखाई नहीं दिया, ना यहाँ पे कोई ऐसा कोई काम दिखाई दिया होगा यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ने कोई काम करवाया हो। ये कबर आपके सामने है और ये भी एक देख सकते हैं कि किस तरह टूट फूट का शिकार है सारी कबरें। ये देख सकते हैं आप किस तरह टूट फूट का शिकार है, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा मिनी सिटी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, बहुत बड़ा एक शहर हो चुका है आबादी के लिहाज से, मगर यहाँ पर कब्रिस्तानों की जो तरतीब है वो बिल्कुल ही 12 महीने कब्रिस्तानों के अंदर कोई पुरसान हाल नहीं होता, मगर एक दिन ऐसा आता है, सिर्फ शब बारात का दिन ऐसा होता है जो यहाँ पे रोशनियाँ वगैरह बल्ब वगैरह लगा दिए जाते हैं और यहाँ की जो कब्रों की हालत है वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल कब्रें दिखाई दे रही हैं। और गवर्नमेंट को सिर्फ शब बारात से एक दिन पहले ख्याल आता है और वो यहाँ पर कलर वगैरह करवाती हैं और इसके अलावा बल्ब वगैरह लगवाती हैं, मगर उससे पहले यहाँ का कोई पुरसान हाल नहीं है। ये इस तरह की जो कब्रें हैं यहाँ पे बिल्कुल ना आने का रास्ता है ना जाने का रास्ता, और कब्रों की जो हालत ज़ाहिर है वो यहाँ पे आप लोगों को फुटेज में देख सकते हैं कि कब्रों की हालत किस तरह कितनी बुरी है। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अपना खामोश कॉलोनी के कब्रिस्तान के अंदर, यहाँ पे हम लोग आए थे शब बारात जो है, शब बारात का दिन जब आता है तो बहुत से लोग जो हैं अपने प्यारों से मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं और गवर्नमेंट एक दिन जो है सिर्फ यहाँ पे इंतज़ाम करती है, बल्ब वगैरह लगाती है, लाइटें वगैरह लगाती है, मगर उसके अलावा 12 महीने यहाँ का कोई पुरसान हाल नहीं है। कब्रों का बेतहाशा बुरा हाल हुआ हुआ है, कब्रें टूट फूट का शिकार है। छटदार सरे बाजार चाले।